अस्सलामुअलैकुम। तूफान का खतरा, सिंध की साहिली पट्टी से शहरियों की मुंतकली शुरू, 50,000 अफराद का इनखिला होगा, माहिरीन ने नया अलर्ट जारी कर दिया। क्या आप हालात हाजरा से आगाही हासिल करना चाहते हैं, खबर के पीछे छुपे असल हकाइक जानना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए दिलमिल पाकिस्तान को और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक कर दें। आपको बताते चलें कि कराची में तूफान के असरात पड़ने लगे, सूरज सवा नेजे पर आ गया है, शदीद गर्मी और हब से अवाम बिलबिला उठे, दर्जा हरारत 40 डिग्री को छू गया है, जबकि गर्मी की शिद्दत 45 डिग्री तक महसूस हो रही है। गर्मी के बाईस कई लोगों की बीमार होने की भी इतलात हैं। बहिर अरब समंदरी तूफान बाइपर ज्वाय मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके बाद मुमकिन खतरात के पेश नज़र ठट्ठा और बदीन की साहिली पट्टी से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली कर दी गई। वजीर आला सिंह को ब्रीफिंग में बताया गया कि शाह बंदर, जाती और केटी बंदर के देहात से 50,000 अफराद का इनखिला किया जाएगा। बदीन के जीरो पॉइंट के गांव से 2,000 अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली कर दी गई है। हुकाम का कहना है कि तूफान टकराने से समंदर में 4-5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी।